दर्शकगण श्रोतागण मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छी अच्छी टिप्स देने वाला, अच्छे गुणों को देने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला और जीवन के हर वर्ग के उन्नति करने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और वो विषय ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं, जीवन की धारा को बदल देते हैं। इसी क्रम के अंदर एक आज हम जो एक विशेष विषय को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं वो विषय हमारे अस्तित्व से संबंधित है। तो आज का विषय है आत्मकर्तृत्ववाद। दर्शकगण श्रोतागण भाई और बहनों, हमारा अस्तित्व किसके पीछे है? हमारा अस्तित्व जो ये शरीर दिखाई देता है, मात्र इस शरीर के पीछे हमारा अस्तित्व नहीं है। शरीर के पीछे भी कोई ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसा एलिमेंट है, सब्सटेंस है जिसके पीछे हमारा अस्तित्व है और वह अस्तित्व है आत्मा, कॉन्शियसनेस। जो धर्म दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, पुण्य पाप में विश्वास करते हैं, वे सभी आत्मा में विश्वास करते हैं और वे आत्मा के कर्तृत्ववाद के अंदर विश्वास करते हैं। और दूसरे इस तरीके के लोग होते हैं जो अनात्मवादी होते हैं, वो आत्मा के अंदर विश्वास नहीं करते हैं, जैसे कि चार्वाक दर्शन है। तो ये चार्वाक दर्शन आत्मा में विश्वास नहीं करता है। चार्वाक दर्शन करता है, कहता है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। और ये जो शरीर है इसके न तो इसके पीछे कुछ है न कुछ इसके आगे है, और शरीर के साथ साथ में ये चेतना अपने आप ही मर जाती है। और वो कहते हैं कि ये जो चेतना है पैदा कैसे होती है, वो उदाहरण देकर के बताते हैं कि जब शराब बनाई जाती है तो शराब के अंदर बहुत सी चीज़ें, गुड़ है, जैसे गेहूँ है और भी कुछ पदार्थ मिला करके उसको सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद के अंदर उसके अंदर मादकता पैदा होती है, जैसे कि इन वस्तुओं के मिलाने से मादकता अपने आप पैदा होती है, उसी तरह से ये जो पंचभूतात्मक सृष्टि है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसी से ये शरीर बना हुआ है, इसके शरीर के निर्माण के साथ साथ के अंदर ये चेतना अपने आप मादकता की तरह पैदा होती है। उनका अपना व्यू है, लेकिन हम आत्मकर्तृत्ववाद के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो आत्मा में आस्था रखने वाले धर्म दर्शनों की बात कर रहे हैं। कई ऐसा मानते हैं कि ये सारी सृष्टि जो है वो ईश्वर चलाता है और ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और वेदांत ये कहता है कि ये अहम ब्रह्माष्टमि, मैं ब्रह्म हूँ, और ये जो जीव है, शरीर को जीव माना गया है, ये जीव ये ब्रह्म का अंश है। जब इस जीव को ब्रह्म का आभास हो जाता है तब वो ब्रह्म के अंदर लीन हो जाता है और ब्रह्म के अंदर उसकी लीन होने के बाद में उसकी मुक्ति हो जाती है। आज मैं आपको आत्मकर्तृत्ववाद की बात बताने जा रहा हूं, वो जैन दर्शन के संदर्भ में है। जैन दर्शन क्या कहता है कि आत्मा विभू नहीं है। कई लोग मानते हैं कि आत्मा सारी सृष्टि के अंदर समाई हुई है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आत्मा शरीर तक ही सीमित है। चींटी का शरीर है तो उस उतने ही शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर आत्मा है। हाथी का शरीर है तो हाथी के शरीर के अंदर है, मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य के शरीर में, और डायनासोरस है उसके शरीर के अंदर, जो मतलब शरीर के बाहर आत्मा नहीं है। और वही आत्मा जो है जब छोटा शरीर होती है तो अपने परमाणुओं को सिकुड़ देती है, और जब शरीर बड़ा हो जाता है तो प्राणियों अपने प्रदेशों को जो है वो आत्मा फैला देती है। तो इस तरीके से आत्मा वही है, लेकिन ये संकोचन के द्वारा और विकोचन के द्वारा जो है आत्मा छोटी बड़ी रूप के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा शरीर व्यापी है, ये कहना चाहते हैं। शरीर के बाहर में आत्मा नहीं है। और दूसरा जो है आत्मा के लिए बताया जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये जलती नहीं, ये मरती नहीं, ये कटती नहीं, ये किसको रोकती नहीं, ये किससे रुकती नहीं है, और ये अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का भंडार है, ब्लिस है,
इसी कारण से हम जो चतुर्थ पुरुषार्थ की पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा लक्ष्य होता है हमारा सिद्धि का है, सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का जो हमारा जो मूल लक्ष्य है वह यही है कि आत्मा को लिबरेट करना, आत्मा को इमानसिपेशन सालवेशन में ले जाना कि आत्मा अपने प्योर फॉर्म के अंदर आ जाए। तो ये उस आत्मा के बारे के अंदर बात हुई। अब ये कि आत्मा की परिभाषा क्या है, अनंत असंख्य जो है चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जो है आत्मा कहते हैं, वो सारे परमाणु जो है वो चेतनामय है और ये असंख्य है, अनंत है। और जब छोटा शरीर होता है तो सिकुड़ जाते हैं और शरीर बड़ा हो जाता है तो वही प्रदेश जो है पूरे शरीर में फैल जाते हैं और पूरे शरीर को जो है वो शक्ति देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अनंत चित्तों वाली है, यानी शरीर के हर अवयव को जो है चेतना देने वाली आत्मा होती है। अब आत्मकृतत्ववाद की हम बात करें कि आत्मा ये शरीर कैसे धारण करती है और क्यों धारण करती है। आत्मा दो तरह की बताई जाती है, एक तो प्योर आत्मा होती है जो कि साल्वेशन में इमानसिपेशन के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त होती है, वो अशरीरी होती है। लेकिन एक आत्मा बॉन्डेड होती है, जैसे मेरा शरीर है, ये शरीर के अंदर आत्मा बद्ध आत्मा है, बॉन्डेड आत्मा है। बॉन्डेड आत्मा कब होती है, किसके साथ में कार्मण शरीर जुड़ा हुआ होता है। जब गीता में भी कहा गया है कि जिस तरीके से मनुष्य एक पुराने कपड़े को जीर्ण शीर्ण हो जाता है उसको छोड़ देता है, उसी तरीके से ये आत्मा भी जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कशकाय हो जाता है, तो शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर वो जो चली जाती है और कुछ नियम के तहत जाती है। तो इस तरीके से आत्मा के साथ में कार्मण शरीर जुड़ा हुआ होता है। पांच जैन दर्शन में पांच तरीके के शरीर बताए जाते हैं, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। तो अब देखिए कि ये जो मेरा जो शरीर दिखाई दे रहा है ये औदारिक शरीर है, हाड़ मांस के पुतले को औदारिक शरीर कहा जाता है। वैक्रिय शरीर होता है वो मोम की तरह होता है, जो नरक के जीव होते हैं, नरकवासी जीव होते हैं, उनके मोम के शरीर कपूर की तरह शरीर होता है, कपूर कैसे पिघल जाता है जल जाता है उसी तरीके से उनका शरीर होता है। और तीसरा होता है कि एक आहारक शरीर, पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, टेलीपैथी हुआ करती थी कि अगर मान लो कि और वो रिद्धि सिद्धि वाले हुआ करते थे साधु, अगर शिष्य 1000 किलोमीटर अपने गुरु से दूर बैठा है तो उनके पास में ऐसी रिद्धि सिद्धि हुआ करती थी, एक हाथ का वो पुतला बना करके और उस पुतले को जो सूक्ष्म पुतले को जो है वो छोड़ता था और अपने गुरु के पास जा करके गुरु के दर्शन करके और जो कोई भी शंका समाधान होता था उसका उत्तर ले आता था, वो आहारक शरीर का कहलाता था। और एक शरीर होता है तेजस शरीर कहलाता है, वो ल्यूमिनस बॉडी होता है, हमारे शरीर को जितनी कर्म या ऊर्जा देता है, जरी शरीर का जो संचालन होता है वो ल्यूमिनस बॉडी के द्वारा होता है, तेजस शरीर के द्वारा होता है और तेजस शरीर में सारा रूपांतरण होता है, तेजस शरीर के अंदर लेशियाएं होती है, तेजस शरीर के अंदर अर्ध चेतन मन होता है। बहुत बड़ी विशाल फैक्ट्री तेजस शरीर की है, इतनी बड़ी फैक्ट्री इस संसार के अंदर कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, जितना मनुष्य का शरीर का भीतरी जगत है उससे बढ़कर के बड़ी फैक्ट्री कोई नहीं, और विश्व की सारी फैक्ट्रियां बनी है ये मनुष्य के शरीर के, मनुष्य के सोच के आधार पर, मनुष्य के दिमाग के आधार पर, मनुष्य के विचारों के आधार पर, इंटेलेक्चुअल के आधार पर सारी फैक्ट्रियां खड़ी हुई है। तो हम बात कर रहे थे तेजस शरीर की। और एक होता है कार्मण शरीर, कार्मण शरीर वेयर हाउस है, ये स्टोर हाउस है, हमारे जन्म जन्मांतर का जितना भी पुण्य पाप का चिट्ठा होता है, हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं उन सब का लेखा जोखा कार्मण शरीर के अंदर होता है। और कार्मण शरीर के अंदर ये कर्म कहलाते हैं और ये कर्म जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, पूरी सृष्टि के अंदर जो है कर्म परमाणु बिखरे हुए होते हैं। और कर्म परमाणुओं और परमाणुओं के बारे में कहा जाता है, परमाणु एक तो अष्टस्पर्शी होते हैं, अष्टस्पर्शी होते हैं, वो सारे दिखाई देते हैं, जैसे मेरे सामने ये ट्यूबलाइट है, मेरे सामने कैमरा है और ये कमरा है, ये अष्टस्पर्शी पुद्गल कहलाते हैं। और चतुस्पर्शी पुद्गल ऐसे होते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं, जो कि मन जो है अति अति सूक्ष्म
परमाणुओं से बना हुआ होता है, चतुस्पर्शी से, और कार्बन शरीर जो है चतुस्पर्शी पुद्गलों से बना हुआ होता है, और ये चतुस्पर्शी पुद्गल को आज का विज्ञान है मासलेस पार्टिकल कहता है कि इसके अंदर कोई भार नहीं होता है। इसी कारण से हमारा जन्म जन्मांतर का जो चिट्ठा होता है, कार्बन शरीर होता है, आत्मा अपने साथ लेकर के चलती है, और एक आत्मा जब एक शरीर छोड़ करके अपने आयुष्य कर्म के अनुसार जो है दूसरे शरीर के अंदर जाती है, तो वो तीन चीजें साथ लेके जाती है। एक तो आत्मा स्वयं होती है, और दूसरा होता है हमारा कार्मण शरीर, जिस चिट्ठे की, पुण्य पाप के चिट्ठे की मैंने बात करी, और एक तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर होता है वो गति देता है, और कार्मण शरीर चिट्ठा होता है, लेखा जोखा होता है, और आत्मा स्वयं होती है जो इनके साथ जाती है, अस्तित्व होता है, बॉन्डेड होती है, ये दो इनके साथ में शरीर जाते हैं। और जब एक गति से दूसरे शरीर में जाती है, तो इस आत्मा को हम अंतराल गति कहते हैं, अंतराल गति कहा जाता है। तो भाई और बहनों, जो ये कार्मण शरीर है ना, ये कर्म रज कहलाती है, पौद्गलिक है, और इसका एक एक कर्म का लेखा जोखा है, और इसको जो है 8 कर्मों के अंदर मेन बांटा गया है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराल। इसमें 4 तरह के जो कर्म होते हैं वो आत्मा की घात करते हैं, इसीलिए इसको अघाती कर्म कहा जाता है। वो होते हैं ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, और मोहनीय कर्म, और अंतराय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म होता है ज्ञान के ऊपर आवरण की तरह होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आंख के ऊपर पट्टी बन जाती है तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ये ज्ञानावरणीय कर्म आ जाता है, तो आंख एक पट्टी हो जाती, ज्ञान के ऊपर कोई दिखाई देता नहीं देता है। दर्शनावरणीय कर्म है वो हमारी श्रद्धा को रोकता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति श्रद्धा, अच्छाई के प्रति श्रद्धा, उसको रोक लेता है। ये हम इसका उसका उदाहरण दे सकते हैं एक पुजारी की तरह। एक पुजारी भगवान के मंदिर के बाहर बैठा रहता है और उस पर पट लगा हुआ होता है, पुजारी की आज्ञा बिना, पुजारी की इजाजत के बिना हम भगवान के पास में जाकर के दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो पुजारी के रूप में होता है। दर्शनावरणीय कर्म जब उदय के अंदर आता है तो व्यक्ति को धर्म के बारे में श्रद्धा नहीं होती है, वह संसार में भटकता रहता है, और हमारी सभी प्रकार की नींद है वो भी दर्शनावरणीय कर्म का कारण आती है। तीसरा होता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म को शराबी का रूप दिया गया है। शराबी जो होता है वो शराब पीने के बाद में उसका होश उड़ जाता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है कि मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, और कई बार वो नाली के अंदर पड़ जाता है, वो क्या शुद्ध बुद्ध भूत जाता है। इसलिए मोहनीय कर्म के अधीन होकर के व्यक्ति संसार के अंदर ऐश आराम मौज मजा मस्ती करता है, और उसके बाद के अंदर वो किसी भगवान में, किसी आत्मा के अंदर, किसी पुनर्जन्म के अंदर उसका विश्वास नहीं होता है, उसका मात्र विश्वास होता है कि ऐश आराम करना और इंद्रिय सुखों को भोगना होता है, ये मोहनीय कर्म कहलाता है। ये और एक होता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का अर्थ होता है कि ऑब्स्टेकल पैदा करना। ये अंतराय 5 तरह के होते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। हमारे पास बहुत सा धन है लेकिन हम दान देना चाहते हैं किसी को तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे ये कर्म जो है वो बीच के अंदर आता है कि हमने पिछले जन्म के अंदर किसी को दान देते हुए उसका अंदर उसके विघ्न डाला था, तो आज वो विघ्न हमारे सामने आता है। लाभ है, हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने के बाद भी वो अंतराय कर्म बीच के अंदर आता है और हम उस लाभ का फायदा नहीं मिलता है हमें। और भोग का मतलब जैसे भोजन है, प्रतिदिन खाने वाला, जो प्रतिदिन जैसे भोजन करते हैं तो हमारे सामने 5 पकवान पड़े हैं लेकिन शरीर बीमार है, डायबिटीज है, वह उसको खा नहीं सकता, तो ये भोगांतराय है। और एक उपभोगांतराय होती है जो कि हम मतलब हमेशा लंबे समय तक उसको भोगते हैं, जैसे हमारे कपड़े हैं, जैसे हमारे वस्त्र है, आभूषण है, ये घर के अंदर बहुत है लेकिन घर हमारा है लेकिन किसी ने दबा लिया, क्योंकि ये अंतराय आई हुई है। और एक वीर्य अंतराय होती है कि शरीर में ताकत नहीं होती है, शरीर हिलता डुलता नहीं है और व्यक्ति शिथिल हो जाता है। इस तरीके से ये 4 है हमारे आत्मा की घात करने वाले कर्म है। बॉन्डेड की बात चली गई, कार्मण शरीर की बात चली गई, चल रही है आत्मकृतित्ववाद की, चल रही है कि आत्मा किस तरीके से कार्य करती है। आत्मा इन कर्मों के वशीभूत है,
स्वतंत्र रूप से आत्मा तो अनंत ज्ञान वाला है, लेकिन ये कारागर के अंदर बंदिश है, इनको कारागर में डाला हुआ है। और चार तरह के अन्य कर्म हैं, वो अघाती कर्म कहलाते हैं, हर शरीर के साथ में वो बदलते रहते हैं। मनुष्य के जो घाती कर्म और होते हैं, बिल्ली के और होते हैं, ऊंट के और होते हैं, पेड़ पौधों के और होते हैं, तो ये अघाती कर्म हैं, वो शरीर के साथ जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं कि वेदनीय कर्म, यानी हमारे शरीर के अंदर जितने कितने वेदना होनी, दर्द होनी, ये दो तरह के होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जब हमारे साता वेदनीय होता है तो शरीर स्वस्थ होता है, असाता वेदनीय होता है तो कान का दर्द, नाक का दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर का दर्द, वो सारे दर्द चालू होते हैं। तो ये वेदनीय। और एक होता है आयुष्य कर्म, जो हमको इस पिंजरे के अंदर बांध के रखता है शरीर के अंदर, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, वो आयुष्य कर्म होता है। और आयुष्य कर्म के अधीन ही आत्मा एक शरीर में रहती है, जब तक ये आयुष्य कर्म पूरा नहीं हो जाता है। 90 साल की उम्र, तो 90 साल पूरा होने पर ही आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, पहले नहीं छोड़ सकती है। तो ये आयुष्य कर्म की बात हो गई। तो इस तरीके से, और एक होता है नाम कर्म। नाम कर्म हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटी होती है, गति है, जाति है, 5 इंद्रियां हैं, 5 स्पर्शन वशन, 5 इंद्रियां हैं, उसके बाद में इंद्रियों के विषय है और वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, सुगंध है, दुर्गंध है, इन सारे चीज़ों का 103 तरह के होते हैं। और तीर्थंकर गोत्र जो बंधन होता है, जो कि ईश्वर बनने की अवस्था आती है, वो भी शुभ नाम कर्म चाहिए। शुभ नाम कर्म होता है, अशुभ नाम कर्म होता है। तो शुभ नाम कर्म होता है, शरीर अच्छा रहता है, लोग हमारी बात मानते हैं, हमारी वाणी का असर पड़ता है, हमारी वाणी लोगों को प्रिय लगती है, हमारी प्रेजेंस लोगों को अच्छी लगती है। अशुभ होता है तो इसका रिवर्स होता है। और एक गोत्र कर्म होता है, हमको सोशल स्टेटस मिलता है कि हम अच्छे घर में पैदा होते हैं, अच्छे कुलीन घर में पैदा होते हैं, और अगर अशुभ गोत्र बंद होता है तो हम गरीब के घर के अंदर पैदा होते हैं और बीमारी वाले घर के अंदर पैदा होते हैं। इस तरीके से भाई और बहनों, आत्मकृतत्ववाद के अंदर सारा कर्म से जुड़ा हुआ है। अगर हम कर्म को आत्मा के साथ जोड़ के बात नहीं करेंगे तो आत्मकृतित्ववाद अधूरा रहेगा। तो इसीलिए ये सारी, जब आत्मा एक शरीर को धारण करती है तो उसके अनुरूप जो है सारा ये कार्य करती है। और आत्मा का अस्तित्व जो है ना, वो हमारे शरीर का अस्तित्व है, और सारा कुछ होता है आत्मा की साक्षी से होता है। आत्मा शरीर के अंदर नहीं हो तो राम नाम सत हो जाता है और ये बॉडी डेड हो जाती है, क्योंकि ये जो शरीर बना हुआ होता है ये पुद्गल का और चेतना का मिक्सचर है, और चेतना है वो हमारी आत्मा है, और पुद्गल है पौद्गलिक रूप से ये शरीर बना हुआ होता है, औदारिक शरीर है। जब आत्मा यहाँ से निकल जाती है तो ये औदारिक शरीर जो है मिट्टी रहती है, फिर इसको जलाया जाता है। तो मुख्य रूप से आत्मकृतत्ववाद की बात करें और आज के इस एपिसोड को आज के सिनेरियो से जोड़ें, वर्तमान इसकी प्रासंगिकता और इसकी रिलीवेंस को जोड़ें, वर्तमान इसकी उपयोगिता की बात करें, तो हम पाएंगे कि व्यक्ति को आत्मा के अंदर विश्वास करना चाहिए। और हमारी आत्मा जो है गंदी ना हो, आत्मा के अंदर कर्म रज और ज़्यादा नहीं हो, बल्कि उस आत्मा की सफाई करनी चाहिए। और मनुष्य जीवन भी इसीलिए मिलता है कि जो आत्मा के ऊपर कर्म रज आई हुई है, उस कर्म रज को हम साफ करें, और साफ करके हम इसका रियल स्वरूप को प्राप्त करें। आत्मा के स्वरूप के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अभी मैंने बात कही कर्म रज की, तो कोलार गोल्ड फैक्ट्री हमारे कर्नाटक के अंदर है, वहाँ जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो सोना है, शुद्ध सोना है, वो मिट्टी के साथ डली के रूप के अंदर बाहर निकलता है, उसको तोड़ा जाता है, तोड़ करके और कई उसको तपाया जाता है, कई रासायनिक क्रियाओं से उस मिट्टी को अलग कर दिया जाता है, और फिर सोने को तपा करके, पिघला करके, बिल्कुल उसकी सारी अशुद्धि को निकाल के 24 कैरेट का सोना हो जाता है। तो 24 कैरेट का सोना जो कि इस प्रकार मिट्टी की डली से अलग हुआ था, तो ये मिट्टी की डली हमारा शरीर है, और 24 कैरेट का जो है सोना है वो हमारी आत्मा के रूप में होता है। इस रूप में हमको समझना चाहिए, और दोनों सच्चाई है। ये पूरा संसार है वो जड़ और चेतन तत्व से बना हुआ है, चेतन तत्व हमारा आत्मा है और जड़ तत्व ये शरीर है, ये दोनों का मिक्सचर है, और ये दोनों ही सच्चाई है,
इन दोनों को, सच्चाई को हमें समझना चाहिए। अब देखिए आत्मकृतत्ववाद के लिए अगर हम आज की मानव जाति से इसको जोड़ें तो मानव को मानव के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा और हमने हम जिस तरीके से हम कोई तरह के कष्ट भुगत रहे हैं इसका कारण यह है कि पूर्व जन्म के अंदर हमने किसी के साथ पाप किया है, किसी के साथ दोष किया है, उसका कर्म फल और उसका कर्म जो है वो परिणाम आज हमें प्राप्त हो रहा है। कॉजेज हमने पूर्व जन्म में डाले थे, इस कारण से उसका कर्म फल और कर्म जो है परिणाम आज मिल रहा है। तो हमें इस पूरे साइकिल को समझना होगा। ये पूरी साइकिल जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत कहलाता है और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाला ईश्वर को मानेगा और ऐसा व्यक्ति जो कि आत्मकृतित्ववाद के अंदर विश्वास करेगा वो कभी किसी का शोषण नहीं करेगा, वो किसी का अनादर नहीं करेगा और किसी का हक नहीं छीनेगा, वो कोई तरह की बुराई नहीं करेगा। इसीलिए आत्मा कर्तृत्ववाद को समझने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति ने एक साधना पद्धति दी है जिसको हम आचार संहिता कहते हैं। उसके अंदर जो है 5 महाव्रत बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 2 भागों के अंदर बांटे गए हैं कि जो अपना पूरा जीवन एकदम संत के रूप में जीना चाहते हैं, आत्मा की शुद्धि जो है वो जल्दी करना चाहते हैं तो वो महाव्रती बन जाते हैं और वो पूर्ण अहिंसक हो जाते हैं। हिंसा करनी नहीं, हिंसा करवानी नहीं, हिंसा का अनुमोदन नहीं करना, मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना और काया से नहीं करना, वो पूर्ण अहिंसक होते हैं, वो संत कहलाते हैं, सन्यासी कहलाते हैं। साधु वह होता है जिसके किचन नहीं होता, जिसके घर नहीं होता और जिसके कोई संबंध नहीं होता। माता पिता होते हैं तो वो संसार पक्षीय माता पिता कहलाते हैं क्योंकि वो संन्यास लेने के बाद में वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता है, पूर्ण विश्व का सदस्य बन जाता है, वो किसी एक परिवार से लिमिटेड नहीं रहता और परमार्थी बन जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आपको जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि पुनरुत्थान कार्यक्रम जो कि हमें अच्छे अच्छे टिप्स देता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, वो आप ग्रहण करते हैं, आप सुनते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं। इसी कारण से पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है और आज बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है और लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।